नमस्कार, डेली टाइम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने रोमांचक तरीके से जीत दर्ज कर ली। इस मुकाबले में एक समय ऐसा लग रहा था कहीं भारतीय टीम हार ना जाए। जब रोहित शर्मा आउट हुए तो सभी को डर लग रहा था कहीं भारतीय टीम इस फाइनल को हार ना जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और भारतीय टीम ने शानदार तरीके से जीत दर्ज की। आपको बता दें कि भारतीय टीम टूर्नामेंट का पहला मैच हार गई थी, उसके बाद लगातार मैच जीतकर भारतीय टीम ने टूर्नामेंट को अपने नाम कर लिया। फाइनल में बांग्लादेश को पटकनी देते हुए उन्होंने बता दिया कि वो ए टीम के साथ भी बेहतरीन टीम है। आपको बता दें कि इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम अपने कई सीनियर खिलाड़ियों के बगैर आई थी। आज के मैच की बात करें तो भारतीय टीम ने टॉस जीतकर बांग्लादेश को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। बांग्लादेश ने बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 166 रन जैसा बड़ा स्कोर खड़ा किया। जवाब में रोहित शर्मा और शिखर धवन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए भारत को शानदार शुरुआत दिलाई, लेकिन शिखर धवन जल्दी ही आउट हो गए। शिखर धवन के बाद रैना भी चलते बने। इसके बाद रोहित शर्मा ने मनीष पांडे के साथ मिलकर थोड़ी देर अच्छी साझेदारी की और अंत तक टीम को ले गए, लेकिन अंत में जब मैच खत्म करने की बारी आई तब रोहित शर्मा आउट होकर चले गए। रोहित शर्मा ने शानदार 68 रन ठोका। आपको बता दें कि रोहित शर्मा के लिए सीरीज काफी अच्छी रही। उन्होंने कप्तानी तो शानदार की ही की, दो मैचों में शानदार 68 भी जड़े। अगर आप भी भारत की जीत से खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में हमें ये जरूर बताएं क्या रोहित शर्मा को विराट कोहली से बेहतर आप कप्तान मानते हैं या नहीं।